यूनियन बजट 2018 से 19 की संपूर्ण जानकारी। 1 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया है। हम आप सभी को बजट से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। अरुण जेटली के भाषण की खास बातें। 1. आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं। 2. वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिस्काउंट, यानी जितना वेतन है उसमें से 40,000 रुपए घटाकर जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। 3. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15%, कैपिटल गेन टैक्स 4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिक्लेम 50,000। 5. स्वास्थ्य और शिक्षा से सब बढ़कर 4% हुआ। 6. 1.89 करोड़ कर्मचारियों ने 1.44 करोड़ रुपए का आयकर दिया। 7. 250 करोड़ रुपए तक के कारोबारी वाली कंपनियों के लिए 25% टैक्स। 8. 2018-19 में वित्तीय घाटा GDP का 3.3% रखने का लक्ष्य। 9. मौजूदा वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा 3.5% रखने का अनुमान। 10. डायरेक्ट टैक्स वसूली 12.6% बढ़ी। 11. 85,51,000 नए करदाता जुड़े। 12. राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख होगी, उपराष्ट्रपति की 4 लाख रुपए और राज्यपाल 3.5 लाख होगी। 13. सांसद का वेतन भी बढ़ेगा और हर 5 साल में सांसद के भत्ते की समीक्षा होगी। 14. 2018-19 में विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। 15. 2 बड़ी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। अब अगली चीज यहां देखेंगे कि कौन सी चीज महंगी और कौन सी चीज सस्ती होगी। 1. मोबाइल टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, मोबाइल टीवी महंगे होंगे। 2. रेलवे के विस्तार पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3. मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ रुपए। 4. बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए 17,000 करोड़ रुपए। 5. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए वडोदरा में संस्थान बनेगा। अब आगे यह देखते हैं आपको किन किन क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होगी। 1. मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए। 2. नए कर्मचारियों के लिए EPF में 12% योगदान सरकार करेगी। 3. महिलाओं के लिए शुरुआती 3 साल के लिए EPF योगदान घटाकर 8%। 4. 70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य। 5. टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया, 7,148 करोड़ रुपए का आवंटन। 6. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का लक्ष्य। 7. 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन। 8. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपए। 9. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए बदलाव को देखते हैं। 1. नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा। 2. करीब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा को सुविधा मिलेगी। 3. TB मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपए की स्कीम। 4. 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौन कौन से बदलाव हुए हैं चलिए वो भी देखते हैं। 1. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। कम लागत में अधिक फसल उगने पर जोर, किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने पर फोकस। 2. कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर कर 275 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन। 3. उपज पर लागत से 1.5 गुना अधिक दाम मिले, इस पर फोकस। 4. किसानों को उनके लागत का 1.5 गुना देंगे। 5. खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना है। 6. 2,000 करोड़ रुपए लागत से कृषि बाजार। 7. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है, कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1,400 करोड़ रुपए। 8. 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन। 9. किसानों को कर्ज के लिए बजट में 11 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव। 10. 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा। 11. विदेशी निवेश में बढ़ावा हुआ है, एक समय था जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार का अंग बन गया है, अब ईमानदारी का चलन बढ़ा है। 12. नोटबंदी के बाद डिजिटाइजेशन बढ़ा, टैक्स देने वालों का दायरा भी बढ़ा है। 13. मई 2014 के बाद मोदी सरकार के पहले 3 सालों में अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.5% रही है। 14. दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 6.3% है, जिससे इस साल 2017-18 में GDP विकास दर 7.2 से 7.5% रहने का अनुमान है। 15.
भारत 2.5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 16 सरकार के लिए सबसे अधिक चुनौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहे ठहराव को दूर करने की है। तो यह थी यूनियन बजट 2018 से 19 की पूरी जानकारी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।